तो दोस्तों चलिए देखते हैं कुछ इस तरह का एक 3D मॉडल बनाकर सॉलिडवर्क्स में किस तरह से हमने इसको बनाया। तो चलिए दोस्तों इसके लिए लेते हैं टॉप प्लेन और इसके बाद यहाँ पर लेते हैं हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इतना करने के बाद देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन, लेते हैं इसको यहाँ पर 50। अगेन लेते हैं इस वाली लाइन को जो कि होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ले लेते हैं यहाँ पर 100। और सिंपली इतना करने के बाद आएंगे फीचर्स में और करते हैं इसको एक्सट्रूड बॉस बेस। तो यहाँ पर हम वैल्यू एंटर कर देते हैं इसमें 6 8 लेते हैं यहाँ पर ओके। तो सिंपली इतना करने के बाद अभी हमको लेना है इसमें फिलेट, तो क्लिक करेंगे फिलेट पर और सभी एजेस को कर लेते हैं 1 by 1 सेलेक्ट, 2 3 एंड लास्ट 1 4। तो सिंपली इतना करने के बाद बाय डिफॉल्ट हमको 10 रेडियस इसको रखना है। तो इतना करने के बाद अगेन लेंगे इसका टॉप फेस, स्केच करते हैं, अगेन लेते हैं यहाँ पर सेंटर रेक्टेंगल और इस तरह से बॉटम लाइन से हमको टच कर देना है और इन दोनों लाइंस को कर देते हैं यहाँ पर इक्वल। रिलेशन अप्लाई करने के बाद ये फुली डिफाइन हो जाएगा और इतना करने के बाद करते हैं इसको एक्सट्रूड बॉस बेस। तो इसको हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, तो हम देख लेते हैं इसको कितना लेना है ओके। तो फाइनली इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर 45 ओके। तो इतना करने के बाद करते हैं इसको हम यहाँ पर ओके, सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेंगे बॉटम फेस सॉरी बैक फेस और इसको लेने के बाद लेते हैं अगेन सर्कल और इस तरह से ट्रैक करेंगे, इस पर शायद विजिबल नहीं हो तो साइड में क्लिक करेंगे और अगेन लेते हैं सर्कल, इस तरह से ट्रैक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट आएगा इन सेंटर पॉइंट्स का। इस तरह से करेंगे यहाँ पर सर्कल क्रिएट, स्मार्ट डायमेंशन देते हैं सर्कल को, तो इस वाले सर्कल को ले लेते हैं यहाँ पर 25। दोनों पॉइंट्स को लेते हैं सर्कल के पॉइंट और राइट ओरिजिन को, वर्टिकल रिलेशन पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस दे देते हैं यहाँ पर जो कि हम लेना है यहाँ पर 30। एग्जिट करते हैं स्केच से और करते हैं यहाँ पर इसको एक्सट्रूड बॉस बेस, तो इसको दे देते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू 15 ओके। अगेन लेते हैं इसके इसी फेस को, स्केच करते हैं यहाँ पर, अगेन करते हैं यहाँ पर क्रिएट सर्कल, तो सर्कमफेरेंस पे करेंगे क्लिक सेंटर पॉइंट शो करने के लिए और अगेन देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन, इसको ले लेते हैं यहाँ पर जो कि हमको लेना है 21। फीचर्स में आते हैं और इसके बाद अगेन करेंगे इसको एक्सट्रूड, तो इसको भी एज इट इज 15 हमको एक्सट्रूड करना है ओके करते हैं इसको। और सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेते हैं इस वाले फेस को और इस बार हम कोई सर्कल क्रिएट नहीं करेंगे, इसी से हम आपको करके दिखाएंगे कि इस वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस पर क्लिक करेंगे, ऑफसेट एंटिटी पर क्लिक करेंगे एंड देन देते हैं इसको यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस जो कि हमने लिया है 1 और इसको रिवर्स करने के बाद अब करते हैं इसको एक्सट्रूड बॉस बेस, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम 2 ओके करते हैं यहाँ पर। अगेन लेंगे इसी फेस को लास्ट 1 एंड देन करेंगे सेकंड वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस पे क्लिक और कन्वर्ट एंटिटी, देन आफ्टर अगेन इसको करते हैं एक्सट्रूड, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम जो कि मैंने पहले 2 लिया था, तो बाय डिफॉल्ट 2 एंटर है, तो इसमें एंटर करते हैं हम 12 ओके। सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेंगे इसी फेस को ओके, तो इसमें चैम्फर दे देते हैं पहले यहाँ पर, जो चैम्फर है वो ले लेते हैं हम यहाँ पर 1.5 ओके। देन आफ्टर क्लिक करेंगे इस फेस पर और स्केच करेंगे एक सर्कल जो कि हमको कट करना है यहाँ पर कुछ इस तरह से, स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं यहाँ पर इसको, इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम 10 और 10 लेने के बाद फीचर्स में आएंगे और करते हैं इसको एक्सट्रूड कट पर क्लिक, जो हमको इसको लेना है वो लेना है यहाँ पर थ्रो ऑल, थ्रो ऑल पर करते हैं क्लिक और इतना करने के बाद अभी हमको लेना है इस वाले फेस को जो कि हमारा राइट साइड का फेस है बॉटम ओके। और इसको लेने के बाद यहाँ पर हमको क्रिएट करना है एक सर्कल, तो कहीं भी कोई क्रिएट कर लेते हैं एक सर्कल और इसके बाद सर्कल को और ये जो हमारे
कर्व एज है, इसको दोनों को लेंगे, टेंजेंट करने के बाद अगेन लेंगे और इसको कोसेंट्रिक कर देंगे, तो इसके बाद ये दोनों यहाँ पर टेंजेंट और इक्वल हो जाएंगे। तो इतना करने के बाद अगेन करेंगे फीचर्स पर क्लिक, एच टू कट करते हैं इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, थ्रो ऑल की जगह लेते हैं यहाँ पर हम ब्लाइंड और वैल्यू एंटर कर देते हैं बाय डिफॉल्ट 1। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेंगे इसी फेस को जो हमने कट किया है, यहाँ पर करते हैं हम स्केच और क्रिएट कर लेते हैं सेंटर पॉइंट पर एक स्केच और दे देते हैं इसको स्मार्ट डायमेंशन जो कि हमको लेना है अगेन यहाँ पर 10। इसको लेने के बाद अगेन आएंगे हम फीचर्स में, एक्सट्रूड कट करते हैं इसको, ले लेते हैं यहाँ पर थ्रो ऑल या फिर अप टू नेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो सिंपली इसी को मिरर करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पर कट एक्सट्रूड 2 एंड 3 को क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और फ्रंट प्लेन को लेंगे जिसके अबाउट मिरर करना है और डायरेक्ट मिरर टूल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मिरर हो जाएगा। और इस बार हम कट एक्सट्रूड 2, 3 एंड मिरर को लेंगे तीनों को एक साथ कंट्रोल के साथ और राइट प्लेन को लेंगे और इसके बाद अगेन करेंगे मिरर टूल पर क्लिक, तो ये हमारा इस साइड में भी मिरर हो जाएगा। तो सिंपली इतना करने के बाद जो हमारा मॉडल है अभी तक कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो अभी हमने लिया है इसका ये वाला फेस जो कि होगा हमारा फ्रंट फेस और यहाँ पर हमने इसकी जो विजिबिलिटी है वो चेंज कर दी है और इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर सर्कल, क्लिक करेंगे सेंटर पॉइंट पर, स्मार्ट डायमेंशन दे देंगे इसको यहाँ पर, सिंपली इसको ले लेते हैं यहाँ पर हम 32। विजिबिलिटी चेंज करते हैं और इसको कर देते हैं एक्सट्रूड कट। ओके, तो थ्रो ऑल की जगह इसमें ले लेते हैं अगेन ब्लाइंड, वैल्यू एंटर करते हैं इसमें यहाँ पर 30। ओके, नॉट 40 करते हैं इसको। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन इसको और ले लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं चलिए, तो इसको ले लेते हैं यहाँ पर 45, एंटर करते हैं यहाँ पर 45। ओके, तो सिंपली इतना करने के बाद अगेन लेंगे इसके टॉप फेस को और विजिबिलिटी कर लेते हैं इसकी अगेन चेंज, पहले क्रिएट कर लेते हैं देन करते हैं विजिबिलिटी चेंज, टेंजेंट कर देते हैं यहाँ पर लाइन सर्कल को लेते हैं दोनों कर देते हैं यहाँ पर टेंजेंट बाय डिफॉल्ट फुली डिफाइंड, देन आफ्टर अगेन विजिबिलिटी चेंज करने के बाद देते हैं एक्सट्रूड कट, लेते हैं इसको अप टू नेक्स्ट, तो अप टू नेक्स्ट करने के बाद ये हमारा कट हो जाएगा अप टू नेक्स्ट तक। और इतना करने के बाद यहाँ पर हमको देना है इसमें चैम्फर, चैम्फर पे क्लिक करने के बाद इस वाली एज को ले लेते हैं और हम इसको ले लेते हैं, दोनों को लेने के बाद वैल्यू एंटर करते हैं इसमें 2 और 2 वैल्यू लेने के बाद कर देते हैं हम इसको ओके। और इतना करने के बाद अगेन हमको इस वाले फेस को लेना है, स्केच करते हैं यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं हम सर्कल इस सेंटर पॉइंट पर, स्मार्ट डायमेंशन दे देते हैं इसको, तो ले लेते हैं इसको यहाँ पर हम 13। देन आफ्टर फीचर्स में आएंगे और करते हैं इसको एक्सट्रूड कट, सॉरी एक्सट्रूड करना है हमको नॉट कट, 20 ले लेते हैं इसको, रिवर्स डायरेक्शन, देन आफ्टर ओके करते हैं यहाँ पर, अगेन करते हैं स्केच, इस बार हमको कट क्रिएट करना है, सर्कल लेते हैं, स्मार्ट डायमेंशन और ले लेते हैं इसको यहाँ पर हम 6। फीचर्स में आएंगे, अगेन करेंगे एक्सट्रूड कट पर क्लिक और इस एक्सट्रूड कट की डेप्थ है वो हमको देनी है, पहले करते हैं ब्लाइंड सेलेक्ट, देन आफ्टर एंटर करते हैं इसमें 15। ओके, तो सिंपली इसी तरह से मिरर करना है जैसे हमने अभी किया था, दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट, जिसके अबाउट मिरर करना है उसको लेते हैं, तो राइट प्लेन के अबाउट मिरर करना है, राइट प्लेन लेने के बाद मिरर टूल पे क्लिक किया और इसको ओके कर दिया, तो यहाँ पर हमारे ये इस तरह से दोनों साइड में क्रिएट हो गए। तो इतना करने के बाद अगेन करते हैं हम राइट साइड में, आप देखेंगे कॉस्मेटिक थ्रेड सर्च और COS लिखने के बाद कॉस्मेटिक थ्रेड हमारा कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी मैनेजर अपीयर्स होगा।
हमको एज ए स्टार्ट एज इसमें लेनी है किसी एक को, तो एक को लेने के बाद जो बाई डिफॉल्ट हमारी वैल्यू है वो सभी हमको एज इट इज़ रखनी है। तो ओके कर देंगे यहाँ पर हम इसको चेक करने के बाद। ओके और यहाँ पर चेंज करेंगे हम इसकी विजिबिलिटी जो थ्रेड की है, तो उसके लिए हमको सेटिंग्स में जाने के बाद सिस्टम ऑप्शंस हमारा इस तरह से शो होगा। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और इसके बाद हम नीचे आएंगे डिटेलिंग में। ओके देन आफ्टर इस वाले चेकबॉक्स क्लिक करेंगे सेट इट कॉस्मेटिक को, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये शो होगा। तो इसी तरह से हमको सेकंड वाला जो है उस पर भी क्रिएट करना है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये मिरर हो सकता है। ओके नॉट, तो यहाँ पर ही इसको हम मिरर नहीं कर सकते, तो अगेन करेंगे हम कॉस्मेटिक थ्रेड सर्च क्लिक, देन आफ्टर करते हैं इसकी इस पर क्लिक, ओके कर देंगे यहाँ पर डायरेक्ट। तो सेट इट ऑन है तो यह हमारा थ्रेड शो होगा इस तरह से। तो जो हमारा मॉडल है वो बनके तैयार है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।